इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों का मोदी सरकार पर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। देश को मनमाने तरीके से चला रही है मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान, अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए, ये मांग लगातार उठ रही है। सरकार की गोद में बैठी है ईडी। सरकारी एजेंसियों पर भी एक बार फिर से तंज कसते हुए, सरकार अपने मनमाफिक तरीके से सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये आवाज उठ रही है। उनको समझ में आना चाहिए, लो लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं हैं। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे। एक ऐसे सांसद के बारे में मुद्दा उठाने की बात रखी गई जो राज्यसभा में है ही नहीं, राहुल गांधी जी की पूरी बात को एंडोर्स करता है कि देश में जो उन्होंने कहा है, देश में प्रजातंत्र और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, वो बल्कि उसको प्रूव करता है कि आज असंवैधानिक तौर तरीके से लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, 10 मिनट के लिए बोलते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इलेक्शन कमीशन को और देश को। अरे देश की बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं और बिल्कुल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे हम आरोप लगाएंगे, क्योंकि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।